आजाद नेशन न्यूज, पहली नजर हर खबर। बरेली में एक युवा उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा साबित हो रहा है जो लोग गरीबों के लिए कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। दरअसल बरेली के रहने वाले युवक लकी शाह ने टेबल ऑफ काइंडनेस की शुरुआत की है, जहां गरीबों को सर्द मौसम में बचने के लिए कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर लकी शाह ने बताया वे सभी के सहयोग से 5,000 जरूरतमंदों के लिए कपड़े बांट चुके हैं। वहीं उनका मकसद है कि कोई भी गरीब नंगा नहीं सोए। लकी शाह ने लोगों से ये अपील की है, जिस किसी के पास फालतू कपड़े हैं या फिर वह गरीबों को बांटना चाहते हैं तो वो उनके पास पहुंचा दें। सर, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ख्याल कैसे आया मेरे। अभी आज आपने देखा होगा पेपर में न्यूज आई थी, बरेली का पारा 3 डिग्री था। जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने एक देखा कि एक रिक्शा वाला जो है उसके बदन पे सिर्फ एक शर्ट थी, और मैं अपनी गाड़ी से जब आया तो मैंने देखा कि सारे वो ठंड से कांप रहा था। तो मुझे एहसास हुआ कि इंसान इतना परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बेरोजगार बहुत हुए हैं, जो बाहर के मजदूर तबका गांव से, देहात से, बिहार से, जो भी अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कुछ ऐसी पहल करी जाए जिससे गरीबों की मदद हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में बुराई ज़्यादा है, लेकिन जो आदमी अच्छाई की तरफ चलता है तो उसे सिर्फ अच्छाई दिखती है, बुराई कहीं नहीं है। मैंने एक अभियान एक टेबल से शुरू किया था, अभी तक मैं 5,000 कपड़े बांट चुका हूँ लोगों को। लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये पॉश इलाका है, यहाँ पे देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। तो हम लोग दिन भर जितने भी कपड़े इकट्ठे होते हैं उन कपड़ों को फिर रात में हम बांटने जाते हैं गरीब बस्तियों के अंदर। सर, मैंने एक फेसबुक पे अपनी आईडी से, लकी शाह बॉक्सर नाम से मेरी आईडी है, उस पर मैंने पोस्ट किया था कि आप देख सकते हैं कि जिसको पुराने कपड़े हैं, जो भी घर की यूज़ की चीज़ें हैं, वो आप दान कर सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो पहले तो लोगों ने, जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों ने पुराने कपड़े, यूज़ करे हुए कपड़े, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लोग नए कपड़े लेके आते हैं, नई चीज़ें आ रहे हैं। अब किसी भी एक गरीब की मदद हो जाती है, वो उसकी चेहरे की खुशी देखकर मैं ही समझ सकता हूँ कि वो कैसे उसकी इंसान की ठंड रुकती है। आजाद नेशन न्यूज, पहली नजर हर खबर।